हाय स्टूडेंट्स, GIT ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे कि यदि एक्सेल में स्टूडेंट मार्कशीट बनाना हो तो कैसे। क्योंकि पिछली क्लास हमने आपको बताया था स्टूडेंट मार्कशीट के बारे में, तो कुछ हमने ऑप्शन उसमें छोड़ा था, कुछ कॉलम जो हमको क्या करना है, आज फार्मूला निकाल के लगा के हमको निकालना है। क्योंकि पिछली क्लास हमने आपको बताया था यदि हमको एक स्टूडेंट मार्कशीट बनाना है तो उसमें कितने कॉलम रहेंगे और क्या क्या कॉलम। आ रहा समझे ना, पहले क्या कॉलम दिए दिए थे हम, सीरियल नंबर, उसके बाद से स्टूडेंट ने फिर क्या दिए थे, सब्जेक्ट का नाम दिए थे, OBT मार्क, टोटल मार्क, परसेंटेज, काउंट, स्टेटस और डिग्री। तो जिसमें से हमने आपको बताया था कहाँ तक, परसेंटेज, तो परसेंटेज का निकालेंगे सबसे निकल जाएगा ना। बाकी हमने रैंडम टेस्ट देने के लिए किसका, ये नंबर देने के लिए किसका इस्तेमाल किया था, रैंड बिटवीन, इसका इस्तेमाल किए थे रैंड बिटवीन का। और जब हमको जोड़ना हुआ था ये टोटल नंबर कि कितना नंबर लाया है, हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया था किसका, इक्वल सम का। और सम लिखने के बाद से ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, और ओपन करने के बाद से पूरे नंबर को क्या कर लेना है, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद से ब्रैकेट को क्या करना है, फिर कीबोर्ड क्या कर लेना है, निकल क्या गया एक का ना। अब एक का निकल जाएगा तो हम इस क्या कर लेंगे, ड्रैग कर देंगे सबका, निकल हो जाएगा ना। और ये टोटल नंबर तुमको टाइप करना है कि यदि एक नंबर, एक सब्जेक्ट हमारा 100 नंबर का है तो 6 सब्जेक्ट का कितने नंबर का होगा, 600। यदि 600 में इन्होंने 348 नंबर लेके आए, फिर परसेंटेज कितना होगा ये हमको निकालना। तो उसके लिए हमने आपको दो तरीका बताया। पहला तरीका क्या था कि आप इक्वल करिए, और इक्वल करने के बाद से OBT मार्क को क्या कर लीजिए, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद आप डिवाइड कर दीजिए कितना सब्जेक्ट नंबर है, टोटल कितना सब्जेक्ट है, तो 6 से हम आप क्या कर लेंगे डिवाइड, निकल गया 58% ना। लेकिन यही अगर हम चाहते हैं कि नहीं कुछ अलग फार्मूला लगा, उसके लिए बताया था इक्वल करेंगे OBT मार्क को क्या कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 100, और डिवाइड कर देंगे कितना से, टोटल नंबर, टोटल मार्क्स, और क्या कर लेना, तो भी इतना ही परसेंटेज आया है ना, हो जाएगा। और एक का निकल गया तो हम सबको यहाँ से क्या कर लेंगे, निकाल, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, हो जाएगा ना। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगला हमको निकालना है क्या, काउंट, क्या निकालना है, काउंट का मतलब क्या, गिनना है हमको। काउंट ये करना है कि ये जो आयत खान है ना, ये 6 सब्जेक्ट में से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 33 नंबर से कम लेकर के आया। आ रहा है समझे ना, ये स्टेटस हमको, ये काउंट हमको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़, लेकिन काउंट अभी हमको निकालने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है ताकि हम स्टेटस क्या कर सके, निकाल, स्टेटस में क्या दिखाएंगे, वो पास है कि फेल, ये दिखाएंगे ना, स्टेटस में क्या दिखाएंगे, पास है कि फेल। और हम डिवीजन में दिखाएंगे यदि पास भी है तो फर्स्ट डिवीजन है कि सेकेंड डिवीजन, कोई नहीं, अभी नंबर चेंज कर दिया जाएगा, वो हो जाएगा और टॉप कर दिया जाएगा। तो इतना पहले समझिए, तो काउंट हमको क्यों निकालने का आवश्यकता पड़े ताकि हम स्टेटस यहाँ पे निकाल। तो इन दोनों का कंडीशन अलग होता है क्या, कि अगर जो, ध्यान से देखिएगा, अगर जो हमारा ये काउंट है ना, काउंट यदि 0 आता है, काउंट क्या आता है, तो यानी वो किसी सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर लेकर के नहीं है, वो क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा, क्या माना जाएगा, पास। इतना क्लियर है ना। और यदि किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, जैसे आप लोग देखे होंगे ना, कई तो सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि जिसमें यदि आप कम नंबर लेके आएंगे ना, यदि फेल हो गए तो अपनी तरफ से नंबर बढ़ा कर तो पास ही नंबर कर देंगे। जिसको सप्लीमेंट्री कहा जाए, जिसको हम लिखते हैं क्या, यदि 1 आ गया किसी का काउंट तो उसको लिख देना है SP, क्या लिख देना है, और उसका चार्ज नहीं, जिसका 1 से अधिक यानी कि 2 से अधिक आ जाएगा उसको क्या कर देना है, फेल कर, क्या कर लेना है, फेल। इतना क्लियर सबको ना। ऐसी कौन सा सप्लीमेंट्री से दिया जाता है कि वो क्या किया है कि किसी एक सब्जेक्ट को फेल हो गया है तो जो भी एग्जामिनर है वो उनको क्या करें, 5 नंबर देकर उनको पास। आ रहे समझे, आ रहे समझे ना।
अब यही हम क्या करते हैं आसानी से, जो भी हम फार्मूला निकालना चाहते हैं तो पहले हमको काउंट निकालना पड़ेगा ना। ये काउंट निकालने में हम किस लिए ताकि हम इंडिकेटर यहाँ पे निकाल, इसलिए हम जब काउंट में जाएंगे तो आपको काउंट तो करना है, लेकिन एक कंडीशन कहा जा रहा है ना कि आपको काउंट करना है कि कब। जब इस पूरे नंबर में कि कोई आपको देता है कि इससे कम रहेगा तो अभी आपको फाइंड करना नहीं, आपको फाइंड नहीं करना, यानी कि तभी गिनना आने था आपको, गिनने की आवश्यकता आया समझे ना। और हम ये कहें कि आप इस क्लास में कुछ लोग उन लोगों को ढूंढना है जो लोग टोपी लगाए, ये कंडीशन है ना। हाँ समझ रहे हैं, अकेले हो आया समझे ना, एक कंडीशन लगाएंगे ना उसी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इसका काउंट की। काउंट अब देखिएगा इस पर, जैसे हमने फॉर्मूला बताया क्या होगा आपका काउंट की, क्या होगा काउंट, इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, पहले आप लिखिए काउंट और उसके बाद क्या लिखिए, तो काउंट का मतलब क्या होता है गिनना, और चीज का मतलब क्या होता है कि आपको गिनना है यदि जब कोई कंडीशन हो, यानी कि जब हम कंडीशन दे रहे हैं वो कंडीशन यदि फॉलो करेगा तभी आपको गिनना है, अन्यथा आपको गिनने का सकता आया समझे ना। तो कोई भी अगर ऐसे लंबा आपके सामने फार्मूला आएगा ना, तो आपको दो भागों में डिवाइड कर, दो भागों में डिवाइड हो रहा है ना, एक आपका अगर काउंट आ जा रही है आपका जो फॉर्मूला, तो काउंट का मतलब सबको पता होगा क्या होता है, और इस का मतलब क्या होता है यदि कोई कंडीशन है तभी आपको मिलना है, कोई कंडीशन नहीं आपको मिल नहीं सकता। तो कंडीशन हमारा ये है कि अगर ये सारा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में कितने लोग हैं, किससे कम नंबर लेके आए, बस हमको वही मिलना है, एक सब्जेक्ट में कम है कि दो सब्जेक्ट में कम है कि तीन सब्जेक्ट, आ रहा समझे ना। देखिए सिंपल है, बस हम काउंट की जगह पे जाएंगे और यहाँ आपको लिखना है क्या, इक्वल, और इक्वल कर लिखना है काउंट इफ, क्या लिखना है काउंट, और काउंट इफ लिखना वाले क्या कह रहा है, रेंज मांग रहा है ना, तो आपको इस रेंज में क्या करना है, पूरे नंबर को क्या कर लेना सॉलिड, पूरे नंबर को क्या कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद से आपको यहाँ पे करना होगा कॉमा, क्या करेंगे। कॉमा करने बस आपसे क्राइटेरिया पूछा जाए कि आपको कंडीशन क्या देना था, वो कंडीशन तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, फार्मूला लिखते समय यदि आप बाहर से किसी को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं और बाहर से आपको रिपोर्टेंट देख रहे हैं, तो आपको हमेशा डबल इंपोर्टेंट कॉमा में ही लिखना, यदि फॉर्मूला हम सेलेक्ट किए हैं तो डबल इन ऑटो नहीं दिए ना, लेकिन यदि हमको यहाँ पर लिखना है कि लेस देन 43 हम खुद से टाइप कर रहे हैं ना, तो जब टाइप करें तो किसमें लिखेंगे, डबल इन ऑटो फॉर्म, तो पहले ही हम दे देंगे डबल इनवर्टेड कॉमा ओपन, और कंडीशन हमारा यह है कि लेस देन 33, और डबल इनवर्टेड कॉमा क्या कर देना है, और ब्रैकेट को क्या करना है। अब कंडीशन समझिएगा, तो ये कह रहा है कि काउंट भी यदि काउंट करना है तो यदि आपकी इस रेंज में की क्राइटेरिया फॉलो करता है, क्राइटेरिया लिखा दिया लेस देन 33, तो 33 जितने भी कम हो उन सबको आपको फाइंड करके बता। अब इतना फॉर्मूला लिखने के बाद हम कर दिए इंटर, तो देखिए देखेंगे आपको क्या बताया पहले। जीरो क्यों बता रहा है, ताकि क्या इसमें से कोई एक 33 से कम है, नहीं है ना, तो टॉप कर रहती है ना, फिर हम ट्राई कर लेते हैं इन्हीं के ऊपर, हाँ हमने क्या किया, जो 79 था ना इसको अटैक हमने कर दिया 32। करेंगे बता रहा, पहले एक कंडीशन में समझ लीजिए। अब जैसे 32 कर रहे हैं तो क्या 33 से कम हो जा रहा है ना, तो 1 बताना चाहिए ना, क्या बता रहा है वहां पर, ये पूरे सब्जेक्ट में एक नंबर, एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसको क्या लाए फेल हुए, बाकी सब्जेक्ट क्या हुए पास, अरे समझे ना, और इस दो सब्जेक्ट को फेल कर दे तब क्या हो आया, जब स्थिति खराब चल रही है, दिख रहा है ना, अब दिखा कर एक बता रहा है, हम यहाँ से सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने वाले यहाँ क्या कर रही है सबका निकल रहा है, देखिए बता रहा है कि विशाल कितने सब्जेक्ट में लाया है, एक सब्जेक्ट में, देखिए यहाँ पे फिक्स हो रहा है ना, फिर ये किनका है सूरज, सूरज एक में आया कितना, इसका चार है,
फिर होगा ये दिख रहा है सबको ना। अगर ये आप देखिए सबका 2 1 0 और उसके बाद से कोई नहीं आया है ना, इससे पास कौन हुआ है? पास हो गया है ना। तो अब हमको क्या करना है? तो अब हमने काउंट कर लिया है ना, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब तो हमने काउंट कर लिया है ना, तो काउंट करने के बाद स्टेटस में आपको क्या बताया था कि स्टेटस यदि आपका 0 के बराबर आता है तो आपको क्या करना है? पास। 0 के बराबर आता तो क्या करना है? पास। और यदि 1 आता है तो क्या करना है? आप चाहे तो यस भी दीजिए और चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, स्टार लगा। अरे समझे ना, यानी कि जो आपको देना वो कंडीशन देते। दूसरा चीज, यदि आप चाहते हैं वो 2 के बराबर या 2 से अधिक हो तो क्या हो जाए? फेल। अरे समझे ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए बस एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ इफ का मतलब होता है एक कंडीशन दे। कंडीशन क्या अप्लाई करें ध्यान दीजिएगा, स्टेटस में आए और स्टेटस हम लिखे इक्वल इफ। इफ का मतलब क्या हो जाएगा? यदि यदि के बाद हमने ब्रैकेट को क्या कर लिया, अब जैसे ऑन किया था, हम कह रहे हैं लॉजिकल टेस्ट। कि आपको टेस्ट किसके माध्यम से करना है, हम बता दिए। ये जो काउंट है, काउंट यदि हमारा बराबर हो जाता है 0 के, किसके बराबर हो जाता है? 0, तो क्या करना है? तो कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमा में कर देना है क्या, पास। डबल कॉमा क्या कर लेंगे, पहला कंडीशन कंप्लीट हो गया ना, पहला कंडीशन समझ आ रहा है ना, कि हमने ये दे दिया कि इस लाइन में यदि हमारा 0 के बराबर होता है तो क्या कर देना है? पास कर देना। फिर हम यहाँ पे करेंगे कॉमा, और कॉमा करने बाद से फिर लिखेंगे इफ। यदि यही हमारा कंडीशन, यदि इस पर बराबर होता है 1 के, यदि इसी लाइन में 1 के बराबर कहीं आ जाए तब तो उसको क्या करना है? हम करेंगे कॉमा, और कॉमा करने के बाद से डबल इन और कॉमा में, चलिए हम यस पी टाइप कर, क्या दे देना है, यस। और डबल इन कॉमा क्या कर लेंगे, दोनों कंडीशन हो जाएगा। एक लास्ट ही कंडीशन बच रहा है ना, तो जब भी लास्ट कंडीशन आएगा आपको वहां भी लगा नहीं कर सकता। एक बस आप कॉमा करिए और बाकी सबको क्या देना चाहते हैं एक बार और पहले समझिएगा। जो हम फार्मूला लगाए हैं ना, तो आपको यहाँ पे लिख रहा होगा पहले लॉजिकल टेस्ट। पहले क्या लिख रहा है? लॉजिकल। कि आपको टेस्ट किसमें से करना है, तो हमने बता दिया किसमें से, काउंट। अब यदि काउंट में से आपका ये वैल्यू मैच कर जाता है तो ट्रू वैल्यू आपका क्या आना चाहिए? कि सत्य वाली वैल्यू क्या आनी चाहिए? जो वहां पे दे दिया था, क्या दे दिया? तो अब कह रहा वैल्यू ठीक था कि यदि इसमें से मैच नहीं करता है, यदि 0 के बराबर नहीं मैच करता है या 1 के बराबर नहीं मैच करता है तब उसके लिए क्या करना है? तो फेल ही करना है। अगर जो 1 के बराबर कोई नहीं है, 0 के बराबर कोई नहीं है, तो जितने भी लोग क्या कर लेना है? फेल कर दो। हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, डबल इनवर्टेड कॉमा में टाइप कर देंगे फेल, और डबल इनवर्टेड कॉमा क्या कर लेना है, क्या करें, डबल इन कॉमा। अब एक से आपको ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट हमने कितनी बार ओपन किया है? 2 बार। 2 बार, एक बार हमने यहाँ ओपन किया और दूसरी बार हमने यहाँ, तो हमको कितनी बार क्लोज करना होगा? 2 बार। और यदि आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, कई बहुत सारा फॉर्मूला लगा दी, वो चाहे आपका ब्रेकेट ऑन हो गया तो कैसे पहचाने कितना ब्रेकेट हुआ? तो लास्ट वाला ब्रेकेट तब तक आपको क्लोज करना है कि जब तक लास्ट वाला ब्रेकेट ब्लैक ना हो। आया समझ ना? जैसे देखिए अभी हम पहली बार ब्रैकेट को क्लोज कर रहे हैं, किस कलर से आया है? रेड कलर से आया है ना? और फिर हम क्या कर दिए, शिफ्ट के साथ एक बार और ब्रैकेट को ऑन कर लिए। अब लास्ट वाला क्या हो गया? तो तब तक क्लोज करना है जब तक लास्ट वाला ब्लैक। अब इतना करने के बाद से इंटर, जस्ट आपको कर लेना है यहां से इंटर, तो इंटर यानी कि 2 काउंट करके क्या बता रहा है? सेलेक्ट करेंगे और यस क्या कर लेंगे, तो बता रहा है कि इन लोगों का प्रोजेक्ट सब्जेक्ट में फेल है। इनको क्या दिया गया? ये एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है, बिल्कुल 0 0 है। इनको क्या कर दिया गया? आप लोग ये बताइए, क्या इसको पता है कि ये किस लाइन की कौन सा नंबर दिया है? नहीं पता। हमने एक कंडीशन दिया है,
यदि किस वाली लाइन में ये नंबर है, आपको ये कंडीशन देना बाकी की कंडीशन। लेकिन आपको बाद में पता चला कि नहीं, हमने आयत का जो नंबर है ना वो क्या किया है, नहीं चेंज कर दिया है, दोबारा से और चेंज कर रहे हैं, यानी दो सब्जेक्ट मिले हैं, हमको तीन सब्जेक्ट मिले हैं, नहीं हम यहाँ पे 32 बटा क्या कर दिए 40 कर, तो अब देखिए अपने आप वहां पे क्या हो गया है 1, तो 1 आया तो क्या हो जाएगा, एक जगह और है इसको अटैक हमने कर दिया 60, तो अब 0 जैसे काउंट में तो अपने आप क्या हो गया है? हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें कर ले जाएंगे सभी लोग। एक और है, किसका 4 नंबर, 4 है ट्विंकल का है ना, यदि इसको पास करना हो तो क्या करेंगे, हाँ इसका भी हम कर दिए कितना 60 नंबर, और 23 वाले फिर हटा क्या कर लिए 40, फिर 30 वाले को हटा कितना 35, और एक और इसको हटा कम कर दिए कितना। अब देखिए क्या हो गया है, हो जाएगा ना, लेकिन आप लोग देखे होंगे पास तो होते हैं लोग, लेकिन पास में भी आप कहां का फोर्थ डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन बताता है। चलिए तो ये काउंट और स्टेटस समझ में आ रहा है ना, काउंट हम क्यों निकाल रहे हैं, काउंट को निकाल रहे हैं ताकि स्टेटस का पता लगाया जा सके कि कौन पास है कौन एसटी और कौन निकल जाएगा ना, तो काउंट और स्टेटस को कोई दिक्कत डिवीजन बनाए आगे ना। और डिवीजन समझिएगा कि आपको देना है कितना, फर्स्ट डिवीजन है कि सेकंड डिवीजन है कि थर्ड डिवीजन, तो पहले डिवीजन देने का तरीका जैसे कि हमने सीखा है यहाँ पे, यदि 0 रहेगा तो पास है, 1 रहेगा तो एस पी है, और 2 से अधिक रहेगा क्या है फुल, तो वैसे आता है कि यदि आपका 60 से अधिक है बराबर हो चाहे अधिक हो, तो आपका क्या है फोर्थ डिवीजन, कौन सा डिवीजन है, और यदि 45 से लेकर के अधिक है या बराबर हो गया आपका सेकेंड, और यदि 43 से अधिक है तो आपका वो क्या है थर्ड, और यदि 43 से कम है वो क्या है आपका पास ना हो गया। ये पैटर्न ये परसेंटेज के ऊपर देख लिया जाता है, अब जैसे देखिए इनका कितना परसेंट आया है, ठीक है फर्स्ट डिवीजन है कि सेकंड डिवीजन है कि थर्ड डिवीजन है कि फिर निकालना पड़ेगा, तो देखिए पहले कितने नंबर के बीच में आ रहा है, 45 और 60 के बीच में आ रहा है ना, तो 45 और 60 के बीच में क्या है सेकंड, और यदि 35 से 45 के बीच में आता तो क्या होते हैं, और यदि 35 से नीचे आते तो है ना जोकि कह रहा हूँ मार्च में क्या नहीं है इसमें, ना ही कोई पेज और ना ही कोई कॉस्ट, ठीक है अब कैसे निकालें ध्यान दीजिए, इसका भी कंडीशन समझिए, तो पहले जैसे आपने स्टेटस निकाला है ना, जैसे आप स्टेटस निकाले हैं ना सेम वैसे आपको डिवीजन में आना है, और यहाँ देना इक्वल इफ, यदि आपका लॉजिकल टेस्ट ये परसेंटेज इस बार चाहे बराबर हो जाता है और चाहे अधिक हो जाता है, बराबर और अधिक का मतलब समझिएगा कि अगर हम यहाँ पे इक्वल टू को हटा दें ना और कोई 60% ला दिया होगा ना वो भी सेकंड होता है, क्योंकि हमने वहां पे इक्वल नहीं दिया, ग्रेटर देन मतलब क्या 60 से अधिक ना, 60 से कम रहेगा तो 60 के बराबर या 60 से कम वो कर दिया क्या सेकंड, लेकिन हम चाहते हैं 60 जो आ गया वो क्या हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाया इक्वल टू का मतलब बराबर और ग्रेटर देन का मतलब क्या होगा, यदि वो चाहे बराबर होता है चाहे अधिक होता है कितना के 60, कितना के बराबर होता है 60 के बराबर या 60 से अधिक, तो करना है कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमा दे देना है क्या फर्स्ट डिवीजन, हो जाएगा ना, और डबल इनवर्टेड कॉमा क्या कर लेना है क्लोज, हो जाएगा, फिर करेंगे कॉमा, तो आपका एक और भी वैल्यू है ना, इफ यदि यही आपका लॉजिकल टेस्ट इस बार या तो बराबर होता है या तो अधिक होता है कितना के 45 के, तो करना है कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमा में क्या देना है आपको सेकंड,
और डबल इनवर्ट कॉमा क्या कर लेंगे, फिर करेंगे कॉमा और एक बार और इफ देना है, और लॉजिकल टेस्ट में उसी परसेंटेज को क्या कर लेना है सेलेक्ट, और इस बार करना है इक्वल और ग्रेटर देन 33 कॉमा और डबल इनवर्ट कॉमा क्या कर देना है सॉर्ट कर देना, और डबल इनवर्ट कॉमा क्या कर लेना है और बाकी सबको क्या कर देना जो उससे कम नंबर लेके आएंगे, हम यहाँ पे कर देंगे इफ वैल्यू फॉल्स में डबल इनवर्टेड कॉमा में डबल कॉमा क्या कर लेंगे, और ब्रैकेट को कर देंगे यहाँ से कितनी बार क्लोज करना होगा कि जब तक लास्ट वाला ब्लैक, और फिर यहाँ से क्या कर लेंगे और इंटर करने के बाद आपको यहाँ से क्या कर लेना है एक्सेल, तो बता रहा है कि नहीं ये कौन सा डिवीजन है ये सेकंड, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लीजिए और ड्रा कर लीजिए नीचे, सबका सेकंड थर्ड सेकंड थर्ड यही आया, दिख रहा सबको ना, पास तो सभी लोग थे, पास तो कई लोग थे ना, सप्लीमेंट थे कई लोग थे, लेकिन कितने लोग आए जो यहाँ पे फेल हो गए उनका क्या आया थर्ड, फेल है कितने डिवीजन से थर्ड आया निकल जाएगा, अच्छा बड़े मिस का परसेंटेज से ज्यादा और अपने आप पास हो जाएगा, ऐसा कर दिया जाएगा किसको किसको किया जाए जी जल्दी, कौन फेल है, उस्मान फेल है, देखो तो उस्मान लाइव पढ़ रहा आया भी नहीं, उसको कैसे पास किया जाए, अब्सेंट है ना किसको, हाँ जी अब करना कुछ नहीं आपको बस नंबर यहाँ से बढ़ाते जाना है, 80 नंबर करिए परसेंटेज बढ़ा है ना, फिर हम यहाँ पे क्या कर दिए इसको भी कर दिए कितना 95 परसेंटेज, अब कितना हुआ है 58%, और यहाँ नहीं समझने के लिए टाइप करें पहले समझ लीजिए लोग, यहाँ पे हम कर दिए 60 के पास कितना आ गया इसका 62% आया है ना, 62% आया तो अपने आप क्या हो गया यहाँ पर हो जाएगा, अब यदि जैसे हम यहाँ पे आयत का ही लें बस ध्यान दीजिए, हम यदि आयत का ही नंबर यहाँ पे बढ़ाए हिंदी में 99 और इंग्लिश में हिंदी में कितना है 90, चलिए 90 कर दिए, इंग्लिश में 99 और मैथ में 0, हाँ चलिए हमें आप दे दे कितना 60, तो परसेंटेज तो बढ़ेगा हमारा ना, कितना परसेंट हो गया है 75, तो जैसे 75% हुआ तो फिर क्या आया है फर्स्ट डिवीजन आया है ना? हो जाएगा कोई दिक्कत इसमें, ये कर ले जाएंगे सभी लोग ना, इतना कर ले जाएंगे सभी लोग ना, एक बार और रिपीट कर दें यहाँ से, एक और ध्यान दीजिएगा, हम स्टार्ट करें फिर कहाँ से काउंट से, काउंट के लिए हमने क्या बताया है इक्वल ई, क्या लिखेंगे पहले काउंट इफ, क्या लिखना है पहले काउंट, और काउंट इफ लिखने के बाद से रेंज पूरे नंबर को क्या कर लेना है सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद से कॉमा और फिर डबल इनवर्टेड कॉमा में क्या देना है लेस देन, कितना से कम जानना है 40, और डबल इन कॉमा क्या कर देना है क्लोज, और फिर ब्रैकेट को क्या करना है क्या कर देना है काउंट निकल के आया क्या आया है, और एक को सेलेक्ट करके फिर यहाँ क्या कर लेंगे नीचे की तरफ ट्रक निकल जाएगा, और उसके बाद मैंने बताया स्टेटस, एक चीज ध्यान दीजिएगा कई लोग ऐसे करते हैं ना कि स्टेटस जो है परसेंटेज के बेस पे निकाल देते हैं और डिवीजन जो काउंट के बेस पे निकाल देते, तो ये आपका क्या हो जाएगा तरीका गलत हो, काउंट किसके बेस पे निकले स्टेटस किसके बेस पे निकलेगा और डिवीजन किसके बेस पे परसेंटेज के बेस, आ रहा समझे ना, क्योंकि डिवीजन आपको क्या दिखाना है कि फर्स्ट डिवीजन है कि थर्ड डिवीजन है, आ रहा समझे ना, और आपको स्टेटस में क्या दिखाने को पास है कि फेल है, आ रहा समझे ना, तो उसके बाद हमने स्टेटस के लिए आपको बताया कि जो आप स्टेटस में आएंगे स्टेटस में आपको लिखना होगा इफ ब्रैकेट को क्या करना होगा लॉजिकल टेस्ट में काउंट को क्या कर लेना है सर
अब देना है ये कंडीशन, यदि हमारा ये काउंट बराबर हो जाता है जीरो के, तो करना है कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमा में डबल कॉमा क्या कर लेना है, फिर कहेंगे नहीं एक और कंडीशन है क्या, तो यदि ये हमारा कंडीशन यही इस बार क्या हो जाता है बराबर हो जाता है कितना के, वन के, तो कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमा क्या कर देना है इसको, डबल इनवर्टेड कॉमा क्या कर लेना है, और बाकी सबको क्या कर देना है, बाकी सबको फेल, डबल एंड कॉमा क्या कर लेंगे क्लोज, और ब्रैकेट को दो बार करेंगे क्लोज, फिर क्या कर लेंगे। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे इरर आके बता दे रहे हैं, अभी एक जगह हम कॉमा लगाना भूल, ठीक है यहाँ पर ना, जैसे हम कॉमा लगाना भूल गए हैं, हम कितना भी चाहती है फार्मूला हमारा एक्सेप्ट करे, लेकिन एक्सेप्ट करने वाला इरर बार देखिए वही दिखा रहे हैं वहां पे कॉमा, तो पहले कर्सर रखेंगे, और कर्सर रखने के बाद हम यहाँ पहले क्या कर लेंगे, अब इंटर, अब आ गया है, हो जाएगा ना। फार्मूला लगाते समय यदि आप एक कॉमा का यदि मिस्टेक करें तो आपका फार्मूला सही आने वाला, आया समझे ना। अब इसको हमने सेलेक्ट किया यहाँ से, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्या कर दिया ड्रा कर, हो जाएगा। फिर क्या निकालना है हमको, डिवीजन, और डिवीजन में क्या निकालना है कि फर्स्ट डिवीजन है कि सेकेंड डिवीजन है कि थर्ड, तो उसके लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे इक्वल, और इक्वल के बाद से यदि आपका ये परसेंटेज बराबर होता है या अधिक होता है 60 के, तो करना है कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमा में फर्स्ट डी, क्या कर लेना है फर्स्ट, और डबल इनवर्टेड कॉमा क्या कर लेना है, हो जाएगा ना। फिर दूसरा कंडीशन कि यदि यही आपका परसेंटेज यदि इस बार बराबर होता है या अधिक होता है कितना के, 45 के, तो करना है कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमा क्या देना है सेकेंड दे, और डबल इनवर्टेड कॉमा क्या कर लेना है, हो जाएगा ना। फिर अगला कंडीशन यदि यही आपका परसेंटेज इस बार बराबर होता है या अधिक होता है कितना के, 43, तो करना है कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमा में दे देना है क्या थर्ड, हो जाएगा ना। चलिए सेकंड में भी डिवीजन लगा देते हैं यहाँ पर, जरूरी नहीं यार जो लिखो डबल यूनिट कमा के अंदर ना वही आएगा, अगर हम यहाँ लिख देंगे ना कि 60 60 से लिखे 60 के बराबर है, वो हमारे यहाँ पे लिख क्या है, वही वही लिख क्या है जो मैंने लिखा है, क्योंकि पोस्ट लिखे तो पोस्ट आ रहा है, कार लिखेंगे कार आएगा, बाइक लिखेंगे बाइक, बाइक आएगा साइकिल लिखेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप मुझे क्या लिखते हैं। अरे समझ ना, जो कंडीशन दिया गया हो जैसे आपको कहा गया हो नहीं आपको सिर्फ पोस्ट लिखना है डिवीजन नहीं लिखना, सिर्फ पोस्ट लिखना और कहा जाने पोस्ट डिवीजन दोनों लिखना, दोनों लिखना हो जाएगा ना। और उसके बाद से बाकी सबको क्या कर देना है, तो डबल इन कॉमा क्लोज और कॉमा फिर डबल इन कॉमा बाकी सबको कर देना है फेल, ब्रैकेट को कितनी बार क्लोज करेंगे जब तक लास्ट वाला ब्लैंक, और यहां कर लेंगे इंटर, और एक बार और क्या कर लेना है, तो फर्स्ट डिवीजन आया है ड्रा कर लेंगे सबका निकल जाएगा, हो जाएगा कोई दिक्कत इसमें, तो सब लोग कर ले जाएंगे ना। तो आज आप लोग ये ट्राई करिएगा, यानी कि आज आप लोग का सारा मार्कशीट कंप्लीट हो जाना चाहिए, हो जाएगा ना। मार्कशीट बनाते समय कोई ऐसा फार्मूला जो समझ में नहीं आया हो एक बार पूछ लीजिए, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग इतना ट्राई करिए लोग, हाँ एक चीज ध्यान दीजिए अगली क्लास में लोग पढ़ेंगे रैंक फार्मूला के बारे में, हाँ रैंक फार्मूला, अब रैंक फार्मूले का इस्तेमाल कहाँ पे होता है ये समझ लीजिए, जैसे आप लोग देखते हैं ना कहीं एग्जाम होता है या कहीं रेस होता है, तो पहले नंबर का तो फर्स्ट रैंक देना होता है, जो दूसरे नंबर का तो सेकेंड रैंक देना होता है, तो उसके लोग उसका इस्तेमाल करते हैं तो हम बोलते हैं रैंक फार्मूला। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रैंक फार्मूला, तो आज आप लोग इतना ट्राई करिए लोग।